इस वक्त हम लोग यहाँ पर सीरिया में हो रहे जुल्म के खिलाफ पुरअमन तरीके पर रैली निकाल रहे हैं। हम सबको मालूम है कि सीरिया में जो जुल्म हो रहा है और मासूम जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, निहत्ते मुसलमानों पर बमबारी की जा रही है, कत्ले आम किया जा रहा है, ऐसे में सारी दुनिया की इंसानियत सख्ते में है और जो मनाज़िर हमारे सामने आ रहे हैं हमारी आंखों में वो देखने की ताकत नहीं है। ऐसे ऐसे मनाज़िर हैं और ऐसा जुल्म हो रहा है। हमारा ये पुरअमन तरीक़े पर रैली निकाल कर हुक्मरानों से, कायदीन से, लीडरों से और अक़वामे मुत्तहदा से ये मुतालबा है कि ये जो जुल्म हो रहा है इस जुल्म को फौरन बंद किया जाए। और मीडिया वालों से भी हमारी गुजारिश है कि मामूली छोटे से छोटे किस्से और वाक़यात को मीडिया पर बड़ा इशू बनाकर डाल देते हैं। यहाँ पर हज़ारों जाने और हज़ारों जानों के खून को अर्ज़ा किया जा रहा है, सस्ता हो रहा है, उनके खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं, तो किसी की तरफ से कोई दुख का इजहार नहीं और किसी ताकतवर मुल्क की तरफ से अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं। इसलिए हमारी आवाज़ इस मीडिया के ज़रिए आपसे और आपके ज़रिए से नेशनल तौर पर और इंटरनेशनल भी हुक्मरानों से हमारा ये मुतालबा है कि हमारी ये आवाज़ उन तक पहुँचे। और हम दुख का इजहार करते हैं और हमें अफसोस है और जो मजालिम जो तस्वीरें हम देख रहे हैं हमारी आँखों में वो घूम रही हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं और जिस्म धड़ अलग किया जा रहा है, बमबारी की जा रही है। तो हमारा ये मुतालबा है कि फौरन इस जुल्म को बंद किया जाए, रोका जाए, जो ताकत इस्तेमाल की जाती है इस्तेमाल की जाए और जो हुक्मरान और कायदीन बेहिस बन के बैठे हैं, कोई दुख का इजहार तक करने तैयार नहीं है, उनसे भी मुतालबा है कि अपनी बेहिसी को ख़त्म करें और सीरिया में और जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है उस जुल्म के ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ है। हम इस सिलसिले में सब एक साथ हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू सब एक साथ हैं। हमारा मुतालबा है कि इस जुल्म को बंद किया जाए और फौरी बंद किया जाए, और अगर बंद नहीं करेंगे तो हम मुसलसल हमारी ये आवाज़ उठाते रहेंगे, हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि ये जो जालिम बेहिसी के साथ बैठे हुए हैं अल्लाह उनको अकल नसीब करे, उन्हें हिदायत नसीब करे और उन्हें उनकी अंदर की बेहिसी को ख़त्म करे और ये मासूम जानों पर जो जुल्म हो रहा है उन पर रहम का, करम का थोड़ा सा एक कतरा उनके दिलों के अंदर अल्लाह की तरफ से डाल दिया जाए। अल्लाह से हमारी यही दुआ है। वमा अलैना इल्लल बलाग।